हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुहेल दलाल, आप सभी लोगों का स्वागत है संजीवनी आयुर्वेदा हॉस्पिटल में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। आज यहां पे हम चर्चा करने वाले हैं मोटापे के बारे में। जिन लोगों का पेट बड़ा हुआ है, जो अपने शरीर से मोटे हैं, उन सभी लोगों के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। आज हम बात करेंगे मोटापे के क्या क्या कारण है और आयुर्वेद में मोटापे के लिए क्या सॉल्यूशंस अवेलेबल है। ये एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रीजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। फ्रेंड्स, मोटापा आज के समय की बहुत बड़ी चैलेंज है। 50% से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो मोटापे की बीमारी से कहीं ना कहीं से पीड़ित हैं। कुछ लोगों का पेट बड़ा हुआ है, कुछ लोगों का पूरा शरीर बड़ा हुआ है। तो आइए देखते हैं दोस्तों, मोटापे के क्या क्या कारण हैं। मोटापे का सबसे बड़ा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल। अगर आपका जीवन बैठाड़ू है, बैठने वाली जीवन शैली है, आपके जीवन में बिल्कुल भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं है, आप पूरा दिन बैठे रहते हैं, तो आपका वजन बढ़ने वाला है। आजकल हम देखने जाएं तो ज्यादातर लोग ऐसे हैं कि जो बिल्कुल बैठने वाली जीवन शैली को इख्तियार कर चुके हैं, जिसकी वजह से उनका वजन बढ़ता है। दूसरा कारण है भूख ना लगी हो फिर भी खाना। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो टाइम के हिसाब से खाना खाते हैं। दोपहर को 2 बजे खाना खा लिया, सुबह 9 बजे खा लिया, रात को 8 बजे खा लिया। अगर भूख लगी है तो भी खाया है, नहीं भूख लगी है तो भी खाना खाते हैं। ऐसे लोगों का वजन तेजी से बढ़ता है। तीसरा कारण होता है हेरिडिटरी। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके मदर फादर का वजन ज्यादा होता है, तो उनका आनुवंशिक तरीके से, मतलब उनके जीन्स में ही मोटापे के जीन्स आते हैं, और जेनेटिकली देखने जाए तो हेरिडिटी से उनका वजन ज्यादा होता है। कुछ लोग, ये बहुत बड़ा कारण है जो मैं आगे बताने वाला हूँ, कुछ लोग हैवी फूड इंटेक की वजह से वजन बढ़ाते हैं। ज्यादातर लोग हमने ऐसे देखे हैं कि जो बाहर का खाना ज्यादा खाते हैं, रात के समय पे बाहर का खाना खाते हैं, जो ज्यादा चिकनाहट वाला खाना, ज्यादा स्निग्ध भोजन का सेवन करते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, मीठा ज्यादा खाते हैं, वैसे लोगों का वजन तेजी से बढ़ता है। उसके बाद कुछ लोगों की बॉडी में हार्मोनल डिस्टर्बेंस होता है, मतलब कि हार्मोन्स की उतार चढ़ाव की वजह से उन लोगों का वजन बढ़ता है, जैसे कि पीसीओडी में, डायबिटीज में, हाइपोथायरॉयडिज्म में, ये सारी बीमारियों में हार्मोनल डिस्टर्बेंस की वजह से भी आपका वजन बढ़ता है। कुछ लोगों को लंबे समय से कोई बीमारी है, प्रोलोंग डिसीज है, प्रोलोंग समय से उनको बीमारियां हैं, जिसकी वजह से भी उनका वजन बढ़ जाता है। कुछ लोगों को दवाइयों के सेवन करने की वजह से, कुछ बीमारी की वजह से उनकी दवाइयां चल रही है और लंबे समय तक वो मेडिसिन का सेवन करते हैं, उसकी वजह से भी उनका वजन बढ़ जाता है। कुछ लोगों का वजन जो है वो स्ट्रेस की वजह से बढ़ता है, मानसिक तनाव की वजह से उनकी पाचन शक्ति कमजोर हो जाती है, और पाचन शक्ति कमजोर होने की वजह से मोटापा बढ़ने लगता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनकी पाचन शक्ति ही कमजोर होती है, मतलब मेटाबॉलिज्म ही वीक होता है। हमने काफी सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे हुए होंगे कि कुछ लोग 5 रोटी खाते हैं लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ता है, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो 1 रोटी खाते हैं तो भी वजन बढ़ता है। मतलब कि मेटाबॉलिज्म वीक होना ये भी वजन बढ़ने का एक बहुत बड़ा रीजन है। तो ये सारे रीजंस मैंने बताए फ्रेंड्स कि जिसकी वजह से आपका वजन बढ़ सकता है। आयुर्वेद के हिसाब से अगर हम देखने जाएं तो हमारे शरीर में 7 धातु है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। ये 7ों धातुओं का पोषण हमारे खुराक से होता है, जो हम खाना खाते हैं और हमारे पेट में डाइजेशन की जो प्रोसेस होती है और हमारी जो जठराग्नि होती है वो खाने को डाइजेस्ट करती है। उसमें से 1-1 धातु का उत्तरोत्तर धातु निर्माण होता है, मतलब सबसे पहले रस बनता है, फिर रक्त बनता है, फिर मांस, फिर मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। उसमें जो 4th नंबर पे मेद धातु है, अगर हमारे फूड में मेद को बढ़ाने वाला खाना अगर ज्यादा हम खाते हैं तो उसकी वजह से मेद का प्रोडक्शन बढ़ जाता है, मेद यानी कि फैट, और शरीर में वो मेद का यानी कि फैट का डिपोजिशन होने लगता है। अगर मेद का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा तो उसके आगे की जो धातु है, अस्थि, मज्जा, शुक्र, उसका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, जिसकी वजह से अस्थि का क्षय होगा बॉडी में, तो बाल झड़ने लगेंगे, शरीर में दर्द होने लगेगा, हाथ पैर में दर्द होने लगेगा। और आपने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो मोटापे से पीड़ित है, उन लोगों को वीकनेस लगती होगी, शरीर भारी भारी लगता होगा, आलस आती होगी, काम करने में मन नहीं लगता होगा, सुबह उठते होंगे तो बदन में जकड़ाहट महसूस होती होगी और बदन में भारीपना महसूस होता होगा। उसका रीजन यही है कि शरीर में मेद धातु की वृद्धि होने लगती है, और ये मेद धातु की वृद्धि की वजह से शरीर में स्त्रोतो अवरोध हो जाता है, मतलब कि जो नॉर्मल चैनल्स हैं बॉडी के वो ब्लॉक होने लगते हैं, और जैसे जैसे मोटापा बढ़ता है तोंद बाहर आने लगती है। उसके बाद काफी सारी बीमारियां होने लगती है, जैसे कि फैटी लीवर हो जाता है, डायबिटिक हो सकते हैं, हाइपोथायरॉइड की बीमारी हो सकती है, स्त्रियों में मासिक की समस्याएं हो सकती है, पीसीओडी की बीमारी हो सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, एनीमिया की बीमारी हो सकती है, पाचन रिलेटेड प्रॉब्लम जैसे कि कॉन्स्टिपेशन और अजीर्ण की बीमारी भी उसमें
हो सकती। अब मोटापा कम करने के लिए, अपने पेट की चर्बी को कम करने के लिए अलग अलग रोग जो है वो अलग अलग रास्ता इख्तियार करते हैं। कुछ लोग हैं वो उपवास करने लगते हैं, हमने काफी सारे ऐसे लोगों को देखा होगा कि जो साल में आधे दिन उपवास करते हैं। फ्रेंड्स, ये एक अच्छा तरीका है, उपवास करना हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छा है। हमारे चैनल पे ऑलरेडी उपवास के ऊपर हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। लेकिन अगर आप ओवर फास्टिंग करेंगे, बहुत ज्यादा फास्टिंग करेंगे, तो आपके शरीर की अच्छी चीजें, अच्छी धातुओं का भी क्षय हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको प्रोलॉन्ग्ड वीकनेस यानी कि लंबे समय की कमजोरी भी आ सकती है। उसके बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो एक्सरसाइज करने लगते हैं, बहुत ज्यादा हैवी एक्सरसाइज करके और क्रैश डाइट करके वेट लॉस करते हैं, जिसकी वजह से उनका खून कम हो जाता है, शरीर में वीकनेस आ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, इस तरीके से उनको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अलग अलग प्रकार के डाइट प्लान्स को रेगुलर फॉलो करते हैं और अपना वजन घटाते हैं, जब वो डाइट प्लान को छोड़ते हैं तो वो वजन वापिस बढ़ जाता है। तो ये सारे तरीके हैं कि जिससे लोग अपना वजन कम करने की कोशिश करते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ ऐसे रास्ते, कुछ ऐसे तरीके कि जिससे आप अपना वजन कम कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहला तरीका कौन सा है। सबसे पहला तरीका, अगर आप वजन घटाना चाहते हैं तो आपको अपनी लाइफस्टाइल को करेक्ट करने पड़ेगा। जी हाँ फ्रेंड्स, लाइफस्टाइल को करेक्ट करना मतलब कि आपको आपका सोने का और आपका उठने का पैटर्न सही करना पड़ेगा। अगर आपको वजन कम करना है, आपका पेट कम करना है, मोटापा कम करना है, तो रात को जल्दी सोना पड़ेगा और सुबह जल्दी उठना पड़ेगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, आपको रात को 10 बजे तक सो जाना है। अगर आपकी लाइफस्टाइल ज्यादा खराब है तो आप उसको मैक्सिमम 11 बजे तक ले जा सकते हैं, और सुबह आपको सूर्योदय के वक्त आपको उठ जाना है, मतलब कि 6 बजे आपको उठना है। अगर आपका ये उठने का पैटर्न और सोने का पैटर्न बन जाएगा तो आपको ये पैटर्न आपको वेट लॉस करने में काफी हेल्पफुल रहेगा। कुछ लोगों की ऐसी आदत होती है कि दिन में सो जाते हैं, खाना खाने के बाद सो जाते हैं। आयुर्वेद में स्पष्ट रूप से दिवस स्वप्न को वर्जित कहा गया है। दिवस स्वप्न मतलब दिन में सोना। जो लोग दिन में सोते हैं उनका मेटाबॉलिज्म वीक होता है, शरीर में खुराक का डाइजेशन सही तरीके से ना होने की वजह से बॉडी में आम की वृद्धि होती है और आम की वजह से काफी सारी बीमारियां होती है। इसलिए दिन में सोना बिल्कुल अवॉइड कर देना है। मोटापा कम करने के लिए दूसरा रूल है, अपने खाने का यानी कि फूड इनटेक का टाइम आपको फिक्स कर देना है। कुछ लोग जो अपनी लाइफस्टाइल को बिगाड़ चुके हैं, वो दिन का दोपहर का खाना रात को खाते हैं, रात का खाना दोपहर को खाते हैं, और उनका खाने पीने का कोई भी स्केड्यूल फिक्स नहीं होता है। तो ऐसे लोगों को अपना खाने का स्केड्यूल फिक्स करना है, मतलब लंच के टाइम पे उनको टाइम पे लंच लेना है, टाइम पे डिनर लेना है। हो सके तो अपना पोर्शन कंट्रोल करके खाना है, मतलब खाने में अगर कुछ अच्छी चीज हो तो उसको बहुत ज्यादा नहीं खा लेना है। अगर आप राइस खा रहे हो तो राइस को बॉईल करके, स्टीम करके, उसका जो मांड है, उसका जो पानी है, राइस वॉश वाटर है, उसको निकाल के जो बॉईल राइस है उसको आप खाने के इस्तेमाल में लें। आप रोटी और राइस दोनों चीजें साथ में मिलाकर ना खाएं, और उसके अलावा जो खाना है वो बाहर का खाना रेगुलर ना खाएं। घर का बना हुआ सात्विक खाना, जिस सिटी में, जिस एरिया में आप रहते हैं वहाँ का फ्रेश और लोकल खाना खाएं, घर का बना हुआ खाना खाएं, गर्म खाना खाएं, ताज़ा खाना खाएं। और ऐसा खाना खाने से आपकी बॉडी को उससे जो पोषण मिलेगा, आपका मेटाबॉलिज्म अच्छे से चलेगा, आपका डाइजेशन अच्छे से होगा, और ये खाना आपको वजन उतारने के लिए काफ़ी हेल्पफुल रह सकता है। खाने में आपको हैवी चीज़ें जैसे कि दही है, पनीर है, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करना है। अपने खाने में दोपहर के टाइम पे 1 चम्मच गाय के घी का शुमार हमेशा करना है। गाय का घी है वो आपको अपना मोटापा कम करने में और आपका मेटाबॉलिक फायर यानी कि पाचन शक्ति को बढ़ाने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। इसलिए आपके दोपहर के खाने में 1 चम्मच गाय के घी का शुमार जरूर से करें। जो लोग अपना मोटापा कम करना चाहते हैं उन लोगों को 3 टेस्ट को अवॉइड करना है, जैसे कि मीठा है, खट्टा है और नमकीन है। ये 3 टेस्ट ऐसे हैं जो वजन बढ़ाने के लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं। जो लोग वजन अपना बढ़ाना चाहते हैं वो लोग ये 3 टेस्ट को लें, और जो मोटापा कम करना चाहते हैं वो ये इन 3 टेस्ट को अवॉइड करें। अपने खाने के साथ साथ पूरे दिन में पानी पीने का भी आपको नियम बनाना है, मतलब पानी पीने के भी कुछ नियम है। हमने ऑलरेडी पानी पीने के ऊपर एक वीडियो बनाया हुआ है। पानी आपको, कुछ लोग उषापान करते हैं, सुबह उठ के बहुत ज्यादा पानी पीते हैं, वैसा नहीं करना है। अपने शरीर की, बॉडी की नीड के हिसाब से आपको पानी पीना है। खाना खाने से तुरंत पहले और खाना खाने के तुरंत बाद आपको पानी नहीं पीना है। खाना खाते हुए घुट घुट करके पानी आप पी सकते हैं, और रात के टाइम पे भी आपको पानी कम पीना है। रात की कंपैरिजन में आपको दिन के समय में ज्यादा पानी पीना है। मोटापा कम करने के लिए आप पानी में शहद मिलाकर भी पी सकते हैं, लेकिन याद रखें फ्रेंड्स कि गर्म पानी में शहद मिलाकर बिल्कुल नहीं पीना है। आजकल ये ट्रेडिशन चला है कि गर्म पानी में नींबू और शहद मिलाकर लोग सुबह सुबह खाली पेट पीते हैं, ये बिल्कुल गलत तरीका है। आप कभी भी दिन में दूसरे कोई टाइम पे भी नॉर्मल, जो उबाल के ठंडा किया हुआ पानी है,
उसमें आप एक चम्मच शहद मिलाकर पी सकते हैं। वो आपके शरीर में से कफ को कम करेगा और आपके मोटापे को कम करने में आपको हेल्पफुल रह सकता है। उसके बाद कुछ ऐसे योगासन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जिनको आप रेगुलर करेंगे तो उन योगासन की वजह से आपका मेटाबॉलिज्म यानी कि आपकी पाचन क्रिया सुधरेगी और आपके शरीर में एक्सेसिव फैट है वो बर्न होगा। जैसे कि आप धनुरासन कर सकते हैं, भुजंगासन कर सकते हैं, सर्वांगासन कर सकते हैं, सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, ऐसे काफी सारे योगासन है जिसको रेगुलर करने से आपके शरीर की चर्बी कम हो सकती है। दूसरा, वजन उतारने के लिए आपका स्ट्रेस लेवल कम होना चाहिए यानी कि आपका माइंड पीसफुल होना चाहिए, आपका मन प्रसन्न होना चाहिए, जिसके लिए आपको रेगुलर कोई भी प्रेयर करना है। आप जिस भी रिलीजन से बिलोंग करते हैं प्रेयर रेगुलर करिए, प्राणायाम को रेगुलर करिए। प्राणायाम रेगुलर करने से आपके मन को शांति मिलती है, आपके स्ट्रेस हॉर्मोन्स बॉडी में से रिलीज होते हैं। आपको आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा अंतर्गत बताई गई नस्य चिकित्सा भी आप कर सकते हैं। रात को सोने से पहले दो दो बूंदे गाय के घी को गर्म करके अपने नाक में डाल के सो सकते हैं, जिसकी वजह से आपको स्लीप बेटर रहेगी और आपका माइंड काम रहेगा। उसके अलावा आयुर्वेद की कुछ ऐसी औषधियां हैं जो आपकी मेटाबॉलिज्म को ठीक कर सकती है, आपकी पाचन क्रिया को बढ़ा सकती है। वैसी कुछ औषधियों का नाम मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, उसको आप रेगुलर 1 से 2 महीने तक ले सकते हैं, जिससे जो लोग लो मेटाबॉलिक रेट से यानी कि पाचन क्रिया की तकलीफ से पीड़ित है वो लोग अपनी पाचन क्रिया को ठीक करके अपना वजन घटा सकते हैं। आयुर्वेद की 3 ऐसी औषधियों के मैं नाम बताने वाला हूँ। सबसे पहला है हिंगवाष्टक चूर्ण। हिंगवाष्टक चूर्ण में मेन कंटेंट हींग होता है, उसके अलावा दूसरी औषधियां हैं। हिंगवाष्टक चूर्ण की आधी आधी चम्मच खाना खाने के बाद आप ले सकते हैं। ये शरीर में से कफ दोष को कम करती है और मोटापा कम करने में आपको हेल्पफुल रहेगी। दूसरा, कुमारियासव। कुमारियासव नाम का लिक्विड इजीली आयुर्वेदिक मेडिकल स्टोर्स में अवेलेबल होता है, जिसका 15-15 ml यानी कि 3-3 चम्मच खाना खाने के बाद गर्म गुनगुने पानी के साथ मिक्स करके आप सेवन करेंगे तो ये कुमारियासव भी आपको मोटापा कम करने में हेल्पफुल रहेगा। उसके अलावा तीसरी आयुर्वेदिक औषधि है मेदोहर गुगल। मेदोहर गुगल की 2-2 गोली सुबह शाम खाना खाने के बाद आपको चबा कर लेनी है, जिससे भी आपका मेद यानी कि कफ दोष यानी कि मोटापा कम हो सकता है। इसके अलावा आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा के अंतर्गत काफी सारी ऐसी चिकित्साएं हैं, जैसे कि विरेचन चिकित्सा है, वो आपको मोटापा कम करने के लिए हेल्प कर सकती है। आयुर्वेद की पंचकर्म चिकित्सा करने के लिए आप अपने नजदीकी आयुर्वेदिक चिकित्सक से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मैंने आपको तरीके बताए जिससे आप अपना मोटापा कम कर सकते हैं और हमेशा हेल्दी रह सकते हैं। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर से शेयर करें। थैंक यू वेरी मच। और संजीवनी आयुर्वेद हॉस्पिटल का वेल ट्रेन्ड और एक्सपीरियंस स्टाफ आपको रोग मुक्त करने के लिए तैयार है। अरे देर किस बात की, जब हम होंगे साथ तो रहिए बेफिक्र आप। संजीवनी आयुर्वेदा एंड पंचकर्मा हॉस्पिटल, रिजुविनेट योर माइंड बॉडी एंड सोल। Call now 7575098494 या 9879428494। 116-117 ग्रीन एलिना ऑपोजिट स्नेह संकुल वाड़ी, आनंद महल रोड, अडाजन, सूरत।